तूफान की पोती है सर जी, अच्छा, और पवन की बेटी है। हाँ, हाँ, हाँ। कितने सारे घोड़े घोड़ियां जो किसानों से निकली हुई आज वो बड़े से बड़े फार्म पे खड़ी है। उनका मौलाने अपन चाहे करोड़ रुपया 50 लाख 70 लाख वो आई कितने की होंगी? ज्यादा 2 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख। किसान के जो घोड़े हैं वो लाखों में लेके करोड़ों में बिक रहे हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं वीडियो पुष्कर मेले की, और हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे खूबसूरत मारवाड़ी घोड़ियां हैं, कुछ अबलग भी हैं तो वो भी दिखाएंगे। तो पहले भाई से बात कर लेते हैं। भाई क्या हालचाल है? बस बढ़िया है सर। नाम क्या है भाई आपका? मेरा शंकर नाम है, शंकर गायरी, उदयपुर से। शंकर कहाँ से आए भाई साहब? उदयपुर से। उदयपुर से तुम तो यार संगीतकार लग रहे हो, जैसे यहाँ के उदयपुर के नहीं होते एक्टर वगैरह जो राजस्थानी बाली वाली पहने हुए हो। तो कितने घोड़ा घोड़ी लेके आए भाई? अभी सर जी यहाँ 15 है, छोटे 15 लेके आए, छोटे मोटे सब है। तो कब आ गए यहाँ पर? 2 तारीख को। कैसा है मेले का माहौल, कैसा है इस बार? ठीक है, ठंडा ही है। ठंडा ही है ना? हाँ, मतलब मेला ठीक बोले तो मन से कहना पड़ रहा ठीक है, बाकी ठंडा है। अच्छा, अब मजा नहीं आ रहा है ना? मजा नहीं आ रहा। तो कुछ अभी सेल आउट हुआ? एक आध हुआ है, कोई 15-16 जानवर में एक ही या एक आध ही हुआ इस बार मंडी? तो यार मजेदार नहीं है मंडी ना? मेरा ही नहीं है, मतलब सभी का। कुछ व्यापारी तो ऐसे कह रहे हैं कि भाई खाता ही नहीं खुला है अभी तक। हाँ सही, उनका खाता नहीं खुला है, खाता ही नहीं खुला। तो क्या लगता है क्यों ऐसा हुआ है? देखो अब इस बार हो सकता मंडी है, माल मौसम की वजह से भी लगता है। नहीं, मौसम के मंडी में थोड़ा माल भी ज्यादा है। और फिर क्या है आजकल ये सोशल मीडिया के जरिए फार्म नहीं से यार, सोशल मीडिया भी है। और मुझे तो लगता है कि मौसम भी बहुत गर्म है तो आदमी रुक नहीं रहा है, सही बात, पहुंच नहीं पा रहा है, बस रोड ही रोड रह रहा है। हाँ, तो इसके बारे में बताओ भाई। ये घोड़ी है मैंने बालोतरा मेले से खरीदी थी, अननोन लाइन की है। अच्छा, अननोन है? अननोन है। करना भाई सामने करना जरा। ये मावली मेले में भी मेयर कैटेगरी में चैंपियन रही, अननोन भी चैंपियन रही। इसने मेरे को 5वीं बच्चे दी है। अच्छा, 5 बच्ची देनी वाली है? 5 बच्ची दी है, वो नीचे वो भी पवन देव की बच्ची है। अच्छा, पवन देव अभी वापस शहन साहब। क्या उम्र हो गई इसकी? ये 10-1 साल के लमसम। 10 साल की? आपके पास कितने टाइम से? 2 दांत थी इनमें लेके आए, 30 महीने की थी। 30 महीने की? और कितने थान दे दिए इसने? 5वीं बच्ची दी है ये। 5वीं? हाँ, मतलब 5 बच्चिया दे चुकी है। 5 दे चुकी है। हाँ। छठी है ये? छठी अभी प्रेग्नेंट है। अच्छा, छठा अब तैयारी। तो इसका नाम क्या है? रानी नाम है इसका। रानी? तो रानी सेल के लिए है? नहीं नहीं सर, इसको नहीं, इसको, तो इसको मेला दिखाने के लिए लेके आए। सही है, ऐसे घोड़ी क्या सेल करोगे। तो ये बच्चा है इसका? बच्ची है। तो इसको सेल करोगे? हाँ, इसको भले कर देंगे। तो क्या डिमांड वगैरह क्या कर रहे हो उसकी? जो भी होगा फिर 5.5-5.5 मांग रहे हैं। अच्छा, जो भी होगा जो कर। तो डीएनए वगैरह हो जाएगा? डीएनए वो पवन देव की, मैं करवा के दे दूंगा, डीएनए की कोई दिक्कत इसकी नहीं। इसकी बात कर ले। ये कोल्ट है? हाँ। ये भी पवन देव का ही है, मेरे पास एक पवन देव नाम का घोड़ा। अच्छा, अच्छा स्टील। वो किस लाइन से? वो अपने पैलेस लाइन का है। अच्छा, सायर भाई बहादुर घोड़ा, बालू का घोड़ा। पंच कल्याण है ये? टीका है ना? 4 पैर वाइट है ना? हाँ, पंच कल्याण है। पंच कल्याण में? हाँ, पूरा पट्टा नहीं आया, लेकिन पट्टा नहीं है, टिक्का आया है। तो पंच कल्याण ही बोला जाएगा? पंच कल्याण है ये, पूरा पंच कल्याण है। तो इसकी क्या डिमांड कर रहे हो? इसका मैं 4.5 कर रहा हूँ। अच्छा, जो भी होगा जो कर दे हो जाएगा है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसकी? इसका भी मैं 3.5 मांग रहा हूँ। ये पंच कल्याण है? ये पूरा पंच कल्याण है। इसका ग्रांड सायर प्रभात है, सायर भाई चेतन, चेतन है। हाँ, डीएनए तक की मेरी गारंटी है। अच्छा, सही करवा लो। कोई बच्चा अच्छा बनेगा? लेकिन बढ़िया बच्चा बनेगा ये। हाँ, पूरा पंच कल्याण है, गर्दन कान। कैसा कलर हो जाएगा ये? कुमेद हो जाएगा ना? कुमेद कलर का है। चलो भाई घोड़ियां देखते हैं। डार्क कुमेद। ये बताओ भाई, ये तो अबलग ले आए आप, ये अबलग मारवाड़ में? ये अबलग घोड़ी है। हाँ, 5-1 साल की है। हाँ, और वापस अभी मेरे पवन देव से कवर करा रखी है। अच्छा, पवन देव से ही है? हाँ जी। तो पवन देव नहीं लाए इस बार? नहीं लेके आया सर। अच्छा, घर पे रखा। तो इसकी हाइट वगैरह क्या है? 58.5 की हाइट है। तो उम्र कितनी हो गई? 5 साल के करीब है। शादी बरात में चलाते हैं हम इसको। अच्छा, तो क्या डिमांड वगैरह क्या है इसकी? डिमांड में 4.5 मांग रहा हूँ, जो भी होगा पार्टी के आधारित कर देंगे। आ जाओ। ये मारवाड़ी आ गई आपकी? ये काली आ गई है। काली है ये? क्या उम्र है इसकी? ये 16-17 महीने की है। तो ये भी लाइन से ही है क्या? हाँ, यही पवन देव की है। ये भी पवन देव की है? हाँ जी। तो टीका है ना इसके मार्किंग? टीका है। हाँ। और एक पैर सफेद है पीछे का। तो हाइट तो अभी कितनी है इसकी? हाइट अभी 57.5 के करीब है। 57.5। अच्छी जाएगी वैसे। अच्छी जाएगी तो अच्छी है। इसकी मदर भी मेरे पास ही है। तो इसकी क्या डिमांड कर रहे हो? इसका 7.5 कर रहा हूँ मैं। 7.5। डीएनए सबके है ना? डीएनए कम्प्लीट है। डीएनए ये देखो, ये रुद्राक्ष की। अच्छा, रुद्राक्ष खेमपुर रावले से, रुद्राक्ष राजनगीना। क्या उम्र है इसकी? ये 21-22 महीने की है। ये कुमेद है ना पूरी? हाँ, कुमेद, डार्क कुमेद है। डार्क कुमेद।
डार्क में ही है बिल्कुल, तेलिया गुम्मत जो बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाइट कितनी है इसकी? ये 60 से ऊपर है, 61 के करीब है। महीने कितने बताए आपने? 22 महीने की। 22 महीने में 60 से ऊपर है, तो इसकी क्या डिमांड कर रहे हो भाई? दंत थे मांगने को तो मैं 15 मांग रहा हूँ, मगर जो भी बैठेगा वो हो जाएगा। वो ये भी बड़ी ऊंची घोड़ी है। हाँ, ये 62 से बाहर है। एज क्या है इसकी? ये सर जी 4.5 साल की है। एक बच्चा दिया इसने, वो पंच कल्याण बताया ना। काला वाला देव का। तो क्या मार्किंग क्या है इसके? दो पैर सफेद है, माथे टीका वापस। ये प्रेग्नेंट। उम्र कितनी हो गई? ये 4.5 साल की। 4.5 साल की। किससे है अभी? पवनदेव से। पवनदेव। इसकी क्या डिमांड कर रहा भाई? ये सर मैं थोड़ा ज्यादा बता रहा हूँ, मगर मेरा सेल करने का विचार कम है। पैसे तो बता ही दो, अगर किसी का कोई पता थोड़ी होता है। 35 लाख मांग रहा हूँ उसका। उठाओ ऊपर दिखाओ जरा। चलो बेटा, तूफान की पोती है सर जी ये। अच्छा। और पवन की बेटी है। हाँ। ये भी दाना रख रखा है ना। चलो चलो ठीक है। तो ये आपके पास कब से है ये वाली? ये तो अपना होम ब्रीड है सर। अच्छा, होम ब्रीड है। तभी ये इसकी माँ वो है जो रानी गोड़ी। अच्छा, वो इसी की माँ है? इस दोनों की माँ वही है। अच्छा, मैं बोला ना पांच बड़े अच्छे अच्छे बच्चे दिए। इसके बारे में बताओ। ये भी मदर साइड से तो वही है जो। अच्छा, मैंने बताया। हाँ, बाप? बाप इसका सुंडे वाला घोड़ा, सुंडी राजा। हाँ, मार्किंग दो पैर वाइट है, टिक्का है माथे। अच्छा, ये बच्ची है मेरे को। एज कितनी हो गई इसकी? ये 3-1 साल में, थोड़ी कम है। प्रेगनेंट रखी इसको। हाइट कितनी? हाइट ये 60 के करीब है। 60 के करीब। क्या डिमांड है इसकी? इसका सर जी मैं 5-5.5 मांग रहा हूँ। हाँ, जो भी होगा बाकी हो जाएगा। है चलो, मारवाड़ियों के अब घोड़ियों के रेट थोड़े बढ़ गए। मारवाड़ी का घोड़ियाँ भी तो अच्छी है। हाँ वही तो। नहीं, अच्छी चीज़ का तो देखो कोई भी हो, चाहे मारवाड़ी हो। मैंने होम ब्रीड किया है, मैंने खर्चा भी तो लगा सर। अब यही बड़े टेंट अगर उसमें होते। हाँ, वो बड़े टेंट में होते तो ज़्यादा होते, मगर ठीक है नॉर्मल रेट से। तो इसकी क्या डिमांड कर रहे हो? ये जाफर की है, प्रभात का जाफर है ना। उम्र क्या होगी इसकी? ये भी 4.5 साल की है। अभी है क्या? क्या बन ये सुबर है? क्या सुबर है? पवनदेव से। अच्छा, कितने महीने की? 6-7 चल रहा है इसको। अच्छा, उम्र कितनी होगी इसकी? 4.5 साल। हाइट है लगभग कितनी होगी? 60 के करीब। 60 के। तो इसकी क्या डिमांड कर रहे हो? इसका ही वही 4.5 मांग रहा हूँ। पंच कल्याण है। हाँ, इसमें ये फायदा है कि बच्चा आ गया, बच्चा आए, बच्ची आ गई तो वैसे ही पैसे फ्री है। पैसे ही फ्री हो जाएंगे बच्ची आ गई, वो नसीब उनका है देखो। हाँ, सब नसीब का ही खेल है। तो ये भी घोड़ी है। फिर ये बच्ची है सर जी, ये दो दांत ने लगी। दो दांत अभी। अच्छा। हाँ। तो क्या की हाइट है इसकी? तो अभी क्या 60 है हाइट। हाँ। ये किसकी बच्ची है? ये कन्हैया की है। अरे कन्हैया की। कन्हैया किस लाइन से? तूफान लाइन से। तूफान लाइन से मैंने खरीदी हुई है ये तो। अच्छा, तो उस हिसाब से मेरे को बताई जो बता रहा हूँ। तो क्या डिमांड क्या कर रहे हो इसकी? इसका मैं 5.5 मांग रहा हूँ। 5.5 मांग रहा हूँ। तो और कौन सी है भाई साहब? ये भी है इधर, ये ग्रे कलर की है, शादी बरात में चलाने के लिए। तो इसकी क्या डिमांड कर रहे हो? इसका 3.5 कर रहा हूँ। अच्छा, ये बच्चा भी साथ में? हाँ, बच्चा साथ में दे दूंगा। बच्ची है। बच्ची है। हाँ। तो दोनों के पैसे क्या हैं? दोनों का कर लेंगे। इसका क्या है? बच्ची का अलग से? बच्ची का 1.5 लाख मांग रहा हूँ। अच्छा, बच्ची का 1.5 लाख। और क्या है? ये भी है एक, इधर काली घोड़ी और है। ये बंदी है? हाँ, ये फिली है। हाँ। तो क्या उम्र होगी इसकी? ये हुई है सर जी 13-14 महीने की। 13-14 महीने की। ये किसकी है? ये पवनदेव की है। पवनदेव। तो इसकी क्या डिमांड कर रहा हूँ? इसका मैं 1.5 मांग रहा हूँ, बाकी हो जाएगा। जो, है जो भी होगा जो। एक ही है आपकी? एक वो काली घोड़ी है, मैं दिखा देता हूँ। क्या उम्र क्या है इसकी? ये सर जी करीबन 9-10 साल की। इसने 3 बच्चे मेरे को दिए। अच्छा, चौथा एक पार्टी को दी, वहाँ दिया। अच्छा, तो दो पैर वाइट हैं इसके? हैं दो पैर वाइट है, माथे टिका। तो इसकी क्या डिमांड कर रहे हो? इसका मैं 2.5 लाख मांग रहा हूँ, मतलब ये 2.5 लास्ट है लेने देने का। अच्छा, लेने देने वाला है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो जैसे आप मारवाड़ी तैयार कर रहे हैं, फार्म पे भी तैयार होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उस हिसाब पे मारवाड़ी अब पहुंच रहा है किसानों तक? जैसे आप एक किसान भी उसी रेट में बेचता है क्या? नहीं, किसान का नहीं बिकता है उसी रेट में। अच्छा, किसान का ही नहीं बिकता है, बड़े से बड़े ही खरीदते हैं ज़्यादा। अच्छा, किसानों का नॉर्मल जो व्यापारी होते हैं वो खरीदते हैं। हाँ, तो किसानों को सही कीमत मिल नहीं पा रही है। कीमत किसानों से नहीं मिलता, किसान के यहाँ से जाने के बाद में तो उनको मिल जाती है। जैसे बड़े फार्म पे गई है, मैं भी ऐसे कितने सारे घोड़े घोड़ियाँ जो किसानों से निकली हुई, आज वो बड़े से बड़े फार्म पे खड़ी है। अगर मैं नाम किसी का ही नहीं बताऊँ, मगर खड़ी अभी उनका मौला ने अपन जाए 1 करोड़ रुपया, 50 लाख, 70 लाख। तो हाई कितने की होंगी? ज्यादा 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख। तो एक हाईएस्ट 20-21 लाख की आई हमारे उदयपुर से, एक 35 लाख की आई, वो उनका अभी 1 करोड़ से भी ऊपर बताते हैं। 80 लाख किसान के जो घोड़े हैं वो लाखों में लेके करोड़ों में बिक रहे हैं। हाँ, बिकते ही हैं।
तो यार ये तो यही है कि सही जगह आदमी पहुंच नहीं पा रहा है। हाँ वो उनके पास खरीदार भी बड़े ही आते हैं, जो बड़े होते हैं उनके पास बड़े खरीदार। हाँ वो फिर किसानों से नहीं लेंगे वो चीज़, बड़े आदमी से लेंगे। बड़े आदमी से लेंगे भले चीज, उनसे भी अच्छी दे रहे किसान, मगर वो समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगी। चलो भाई शंकर भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करते हैं कि बस इसलिए काम कर रहे हो, घोड़ों की सेवा कर रहे हो, उसमें कामयाबी मिले। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।